सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एक्वेरियम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू SG इंसेप्शन योर एक्वेरियम चैनल। आई एम एट द एसेसरीज सेक्शन ऑफ नाज एक्वेरियम। ये जो है एसेसरीज का, फिश फूड का और जो फिल्टर का सेक्शन है वो है नाज एक्वेरियम का। और आज के इस वीडियो में हम आपको जो डेकोरेटिव आइटम्स है नाज एक्वेरियम में जो अवेलेबल है वो सब आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड टू वॉच ऑल द डेकोरेटिव आइटम्स अवेलेबल एट नाज एक्वेरियम। एंड वन मोर वीडियो अबाउट द बर्ड्स केजेस विल बी आउट सून ऑन नाज एक्वेरियम। सबसे पहले तो मैं आपको जो डेकोरेटिव आइटम्स है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बहुत से नए वैरायटी के डेकोरेटिव आइटम्स, डेकोरेटिव एक्वेरियम प्रोडक्ट्स आए हुए हैं नाज एक्वेरियम के, लाइक द शोपीस, फिश शोपीस। एंड यहाँ पे खूबसूरत से वैरायटी के जो है प्लांट्स है एंड टर्टल्स जो ट्रे है, टर्टल बैंक्स वगैरह है। तो हमको हमारे जो होस्ट है नाज एक्वेरियम के परवेश भाई, वो हमको आज बताएंगे कि क्या क्या उनके पास अवेलेबल है नया। तो भाईजान आज आपके पास नया चीज़ आया हुआ है नाज एक्वेरियम में, क्या क्या आया हुआ है? कैक्टस प्लांट सबसे पहले आप हमको दिखाएंगे। तो ये इनकी जो बनावट है ज़रा अलग दिख रही है, क्या खासियत है इनकी? ये ग्लो होता है, रात को ग्लो होता है। हाँ, लाइट में भी ये ग्लो होएगा। अच्छा। और ये खराब होने के चांसेस नहीं रहते। ओके। और इनकी जो मतलब काफी खूबसूरत दिख रही है दूर से भी, टैंक में भी बहुत खूबसूरत दिखते हैं। आप डेकोरेशन करेंगे टैंक वगैरह में तो बहुत अच्छा दिखता है। इसमें तीन साइज अवेलेबल है। अच्छा, तो छोटे साइजेस भी आपके पास है? हाँ, छोटे साइजेस से लेके बड़े साइज तक अवेलेबल है। ओके, तो बात करते हैं अब इनके प्राइसेस के बारे में, क्या क्या प्राइसेस है इन सब की? ये छोटे वाले आपको 150 के आएंगे। 150 रुपीस छोटा वाला? हाँ, 150 रुपए का। ओके, इसमें भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है अपने पास। अच्छा, छोटे में, बड़े में, मीडियम में सब। अच्छा, ओके। और दूसरा वाला ये 300 का आएगा। ये 300 का आएगा? हाँ, 300 रुपए का आएगा। ओके, और जो बड़े वाले है वो? ये बड़े वाले 600 रुपीस। ओके, तो बड़े वाले जो 600 रुपए के आएंगे 600 रुपीस के। और कोई भी सब सारे जो बड़े वाले उनका एक ही प्राइस है 600 रुपीस? हाँ, एक ही प्राइस है, खाली डिफरेंट कलर है बस, प्राइस एक ही। ओके ओके, तो ये थे आर्टिफिशियल के नए अनकॉमन टाइप के प्लांट्स जो कि नए आइटम्स आए हैं नाज एक्वेरियम में। और दूसरा कौन सा आप दिखाएंगे भाई? दूसरा है मैट प्लांट है। इसको क्या बोलते हैं? इसको मैट प्लांट बोलते हैं, बॉटम में लगते हैं मैट प्लांट के। ओके, बॉटम में लगते हैं ये। ओके, ये कैसा प्राइस है इसका? ये 100 रुपीज का पर शीट आएगा। ओके, 100 रुपए का एक शीट आता है। अच्छा, इसको हम क्या टर्टल बास्किंग एरिया के ऊपर भी लगा सकते हैं? टर्टल ट्रे में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, और एक्वेरियम में भी यूज। ओके, तो टर्टल्स की बात हुई है तो यहाँ पे आई थिंक सो दिस इज बास्किंग एरिया। तो ये भाईजान बास्किंग एरिया है शायद? हाँ, ये बास्किंग एरिया टर्टल का। ओके, एक्वेरियम में इसको हैंग कर सकते हैं, टर्टल इसके ऊपर आगे बैठेगा फिर वापस पानी। अच्छा, तो इसको हैंग के लिए करने के लिए दिया हुआ है कुछ? हाँ, इसको दो तार दिया हुआ है हैंग करने के लिए। ओके, तो ये तार ऊपर लगाना पड़ता है, राइट? ओके, तो उसके ऊपर ये हैंग कर सकते हैं। इसकी क्या प्राइस है? ये 200 का आएगा। 200 रुपीस का आएगा? हाँ, 200 रुपए का। ओके, और उसके बाद ये जो छोटा वाला है ये 150 का आएगा आपको। ये भी बास्किंग एरिया है, हैंगिंग कर सकते हैं आप इसको। ओके, 150 रुपीस का। ओके, ये दिस बास्किंग एरिया विल कॉस्ट यू अराउंड 150 रुपीस, 150 रुपए का है ये। ओके, सो ये थे सारे बास्किंग एरिया। उसके बाद भाईजान कौन सा नेक्स्ट चीज़ है? ये दोनों फाइबर के थे, अब इसमें मैं आपको प्लास्टिक मोल्ड में दिखा दूँ। अच्छा, प्लास्टिक का आप दिखाएंगे? ये प्लास्टिक मोल्ड का बास्किंग एरिया। आई थिंक ये दोनों टू वे का है शायद से वॉशिंग एरिया। इसको इधर अटैच करके इसको आप हैंग कर सकते हैं। अच्छा, एक्वेरियम के अंदर। ओके, तो यहाँ से भी टर्टल आ सकते हैं और यहाँ आप उसको फूड भी डाल सकते हैं टर्टल। अच्छा, तो एक साइड से इसको सकर पाइप दिया हुआ है जो सकर एंड है। लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में एक पीस बताया था, राइट? टर्टल बैंक आप बता रहे हैं? टर्टल बैंक। ओके, तो वो शायद से वन वे था, ये शायद से मैं दिखा देता हूँ, ये टू वे है।
मतलब लेफ्ट साइड से भी टर्टल आ सकता है, राइट साइड से भी आ सकता है, दोनों वे से, इसलिए इसको टू वे बास्किंग एरिया बुलाया जाता है। और यहाँ पे इसको सकर एंड दिया हुआ है तो इसके ऊपर आ सकता है। तो भाई इसकी क्या प्राइस रहेगी? 200 की, 200 रुपये। ओके, सो दिस टू वे बास्किंग एरिया विल कॉस्ट यू अराउंड 200 रुपीज़। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डेकोरेटिव आइटम भाई जान, नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट आपको ये प्लांटेशन में आएगी। ओके, ये शायद से बॉल टाइप प्लांटेशन है, ये बॉल टाइप प्लांट है, ये ग्रास प्लांट है। ओके ओके, और दोनों की प्राइस बताएंगे? ये आपको 200 का आएगा, 200 200 रुपये का। ये 180 का पैकेट आएगा, 180 रुपीज़ का आएगा। ओके, देर आर ब्यूटिफुल शिप शो पीसेस अवेलेबल एट नाज एक्वेरियम। नाज एक्वेरियम में ये जो खूबसूरत से शिप के शो पीस आए हुए हैं अभी, और विल शो यू वन डिफरेंट थिंग एट द एंड ऑफ द वीडियो। यहाँ पे ये जो बेटा के बाउल्स है, फिश वॉल बाउल्स इसको बोल सकते हैं, तो ये हमको आपको हम ये एंड में बताएंगे इस वीडियो को। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो टू नो वॉट आर दीज। ये अगर आपको जानने हैं तो आप अंत तक बने रहिए, हम आपको बता दें इसके बारे में। तो अब बात करते हैं फिश के शोपीस के बारे में। काफ़ी खूबसूरत का बनावट का शोपीस है नाज एक्वेरियम के पास, और जैसे कि आप देख सकते हो कि जो इसकी डिटेलिंग है काफ़ी खूबसूरत से की गई है। और अगर आपके पास छोटे टेट्रा वैरायटी के या मॉलीज रहेंगे या छोटे फिश रहेंगे तो ये क्या है, इसके अंदर भी जाके और बाहर आ सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा शो पीस है उनके लिए। तो परवेश भाई, इस शिप के बारे में हमको थोड़ा बताओ, इसकी क्या मटेरियल इसमें यूज़ की गई है? इसमें फाइबर का मटेरियल यूज़ किया गया है, फाइबर का क्वालिटी का कलर मारा गया है जो कि एक्वेरियम के अंदर छूटे ना पानी में कलर। अच्छा, ओके, और इसकी क्या प्राइस है? ये 600 रुपीज़ का आपको आएगा, 600 रुपीज़ का। ब्रोकन शिप बोलते हैं, ब्रोकन शिप, ब्रोकन शिप। ओके, ब्रोकन शिप शो पीस है ये, और ये 600 रुपीज़ का, राइट? 600 रुपीज़ का। ओके, तो इसका आपके पास एक और एक छोटा साइज है, राइट? हाँ, ये 300 रुपीज़ का। ओके, ये जो छोटा वाला है ये 300 रुपये का, दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 300 रुपीज़। तो यहाँ पे जो है दो नए शिप के शो पीसेस आए हैं नाज एक्वेरियम में। तो भाई जान, नेक्स्ट चीज़ कौन सा दिखाएंगे? तो आज अभी कुछ अलग दिखाने वाले परवेश भाई हमको। ये एक्वेरियम का वाइपर दिखा तो आपको। एक्वेरियम का वाइपर, मतलब जिसकी टैंक हाइट ज्यादा होती है ना टैंक की, तो अच्छा, उसमें हाथ नहीं पहुंचता। राइट तो उसके लिए ये स्टिक्स है, इसके आप घस सकते हैं टैंक को, साफ कर सकते हैं जो भी एल्गी वगैरह। राइट इससे निकल सकते हैं। ओके, जो स्क्रब भी है मेरे ख्याल से इसके अंदर, और इसकी मेरे ख्याल से हाइट तकरीबन 3-4 फीट है इसकी लंबाई, तो जो बड़े एक्वेरियम्स है, बड़े टैंक है, उसके लिए काफ़ी यूज़फुल रहता रहेगा। और जो पीछे वाला है भाईजान, वो कौन सा वाला है? ये यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं एक्वा क्लीनर, ये कौन सा है? ये जर्मन मेड एक्वा क्लीनर है, इसको आप एक्सटेंडेबल कर सकते हैं। अच्छा, ओके, जो भी ज्यादा हाइट है और गहरा करके इसको ये कर सकते हो, ये एल्युमिनियम से बना हुआ है। ओके, इसके अंदर वो जो जंग विंग लगते, पानी लग के खराब होता है, वैसा नहीं होता। ओके, तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और अगर एक्सटेंड भी कर सकते हैं काम होने के बाद फिर से उसकी जो छोटी साइज भी हम लोग कर सकते हैं। और क्या प्राइस है भाई इसकी? ये 400 रुपीज़ के। ओके, 400 रुपये का, 400 रुपीज़ का। ओके, ये वाला जो है वो 200 रुपीज़ का है। ओके, तो अभी हम आपको फिशनेट्स दिखाएंगे। सभी को तो मालूम है फिशनेट्स के बारे में, पर भाईजान ये आपके पास साइजेस काफ़ी अच्छी हैं इनकी, बड़ी साइजेस है, राइट? हाँ। अच्छा, तो कौन सी साइजेस अवेलेबल है? ये साइज है, ओके, नंबर साइज बोलते हैं इसको। ओके, ये डिस्कस वगैरह या गप्पी के बच्चे अच्छे पकड़ने के लिए एकदम सूटेबल है। राइट, इसका एकदम सॉफ्ट नेट है। अच्छा, तो इसको आप डिस्कस भी पकड़ने जाएंगे तो इसके बॉडी पे रफनेस नहीं है। राइट ओके, और दूसरा वाला, दूसरी साइज ये, ये बहुत ही बड़ी साइज है। अच्छा, ओके, और मेरे ख्याल से जो बड़े शार्क्स रहेंगे या बड़े कैटफिश रहेंगे उसके लिए काफ़ी अच्छा ही है, काफ़ी बड़ा है, और कोई इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तालाबों में भी जाके फिशिंग कर सकते हैं। अच्छा, लेक में भी जाके इससे फिशिंग कर सकते हैं। ओके, हाँ, क्योंकि काफ़ी लंबा है ये, उसकी जो स्टिक है और वो बड़ी भी होती है। तो भाईजान प्राइसेस बताएंगे सबके हमको? ये छोटी वाले आपको 80 रुपीज़ की आएंगे, 80 रुपीज़ की। ओके, और ये मीडियम है, ये 150 का आएगा। ओके, मीडियम वाला 150 रुपये का आएगा, 150 का। ओके भाई, और ये आपको
ओके 200 रुपीज़ का जो सबसे बड़ा है और काफ़ी एक्सटेंड होता है इसका स्टिक जो आप देख सकते हो काफ़ी एक्सटेंड होता है साइज से मेरे ख्याल से 3 फीट तक 3 से 4 फीट तक ये लंबा होता है और ये आपको 200 रुपीज़ तक पड़ेगा 200 रुपये में आपको ये आ जाएगा। यहाँ पे हम आपको अभी एक्वा लिक्विड बताएंगे परवेश भाई हम सबको अभी बताएंगे इसके बारे में क्या है भाई ये स्पेशल मेडिसिन से हर वैरायटी मच्छी के लिए चाहे वो अरवाना हो या गप्पी हो मोली हो कुछ भी हो। ये किस लिए यूज़ करते हैं? ये जनरल डाइट है मच्छी बीमार है तो भी यूज़ कर सकते हैं नहीं बीमार है तो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा मतलब ये वाइट लिक्विड की तरह यूज़ करना रहता है इसका? नहीं 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 ये वाइट लिक्विड एंटीक्लोरीन है एंटीसेप्टिक है ये कभी किसी का कस्टमर का प्रॉब्लम होता है कि मेरा अरवाना खाना नहीं खा रहा है हाँ हाँ तो 2 दिन आप ये लिक्विड के अंदर रखेंगे तो उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ओके और इसको टर्टल की आइस के लिए भी यूज़ करते हैं अगर टर्टल की आँख आती है ना हाँ हाँ तो उसके लिए भी बेस्ट मेडिसिन है। अच्छा तो आप क्या हमें बता सकेंगे कि इसको कितना ड्रॉप्स डालना है इसका? इसमें सब इंटीग्रेशन दिया हुआ है आपको ओके कितना डालना है इससे व्हाइट स्पॉट भी आता है और जो कीड़े का प्रॉब्लम होता है ना गोल्ड फिश के बॉडी पे अच्छा वो भी आता है। ओके तो यहाँ पे सारे इंडिकेशंस दिए हुए हैं कि कैसे कभी डालना है और कब डालना है तो भाईजान ये मतलब यूज़ करना चाहिए मेडिसिन एक्वेरियम्स में करना ही चाहिए हेल्दी फिश के लिए। अच्छा इसकी क्या प्राइस है? ये 80 रुपीज़ का 80 रुपीज़ का आएगा ओके और अगर हेल्दी फिश रखनी है तो ये डालना कंपलसरी है ओके तो भाईजान यहाँ पे आपके पास ये मैंने पहली बार देखा है वॉल के ऊपर ये बॉल है ये क्या चीज़ है? ये फाइटर बॉल है फाइटर बॉल है हाँ ये एक नए तरीके का बॉल आया हुआ है जो दीवार में हैंग हो सकता है तो ये दीवार में स्टिक हो जाता है हाँ दीवार में ये स्टिक हो जाता है और इस पर फाइटर बहुत बेहतरीन दिखता है। अच्छा तो क्या प्राइस है इसकी? बड़ा वाला 700 का है और ये 500 का छोटा वाला बड़ा वाला 700 का है और छोटा वाला 500 का 500 रुपये का 500 का है। सो दिस वॉज टूडेज वीडियो आई होप यू लाइक्ड इट पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और SG Inceptions को सब्सक्राइब करना ना भूले एक्वेरियम वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।